आज हम बनाएंगे कैरेमल पॉपकॉर्न। एक कप मकई के दाने आधा कप तेल में भिगो के रख लीजिए। एक मोटे तले वाले कढ़ाई को ले लीजिए, उसमें वो दाने डाल दीजिए। इसको धीरे धीरे चलाइए धीमे आंच पे। जब तेल गर्म हो जाएगा अच्छे से, थोड़ी देर में मकई के दाने फूटने लगेंगे। जैसे ही दाने फूटे थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जब दाने तेज फूटने लगे उसको ढक दीजिए। दाने फटाफट फूटने लगेंगे। आधे से ज़्यादा मकई के दाने फूटने पर आंच धीमी कर दीजिए। अब लगभग देखिए अब पॉपिंग बंद हो गई है, गैस बंद ही कर दीजिए। एक किसी बड़े बाउल में इस पॉपकॉर्न को अब निकाल लेते हैं। पॉपकॉर्न तो रेडी है। अब बनाएंगे कैरेमल। मध्यम आंच कर लीजिए और उसमें डालिए एक क्यूब बटर। बटर को धीरे धीरे पिघलने दीजिए धीमे आंच में। चलिए स्मूथ एकदम बटर पिघल रहा है, पिघल जाए। अब इसमें आधा कप डालिए चीनी। थोड़ा सा पानी डालिए इसके अंदर। उबलाने के बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसका, जो है बेकिंग सोडा। तो होगा क्या, जो झाग बनेगा उससे, जो फेना बनेगा, जो उबलने के लिए फेना बनता है, बहुत बनेगा। फिर जब आप इसमें मकई डालेंगे तो पूरा पूरा कवर कर लेता है। देखिए कितना ज़बरदस्त बन गया है, स्मूथ कलर आ गया है इसका, एकदम थिएटर वाले पॉपकॉर्न जैसा कलर आ जाएगा इसका। थोड़ा गर्म करिए यहाँ पे, जब फेना भर जाए इसमें हिलाते रहें उसको, चलाते रहें उसको। इसमें डालेंगे मकई, थोड़ा रख लिया मैंने। इसको चलाते रहें, पूरा अच्छे से कोटिंग करना सही रहेगा, तो बीच में एक एक मिलेगा जिसमें कोटिंग नहीं रहेगा, मज़ा नहीं आएगा। सूखने के बाद एकदम अलग अलग हो जाएगा ये, उसमें रखने ना दें। जब हो जाएगा गैस बंद करके प्लेन पेपर पे उसको फैला लें, या ट्रे में फैला लें, जहाँ भी फैला लें। इसको इसी में ना रहने दें, नहीं तो गर्मी जगह सारे चिपक जाएंगे एक दूसरे पर। फैलाएंगे तो सब अलग खुले खुले हो जाएंगे। लगभग ये रेडी है, मैंने फैलाया था फिर डाल दिया इसमें। ऐसा ही है, एक नंबर दिखेगा ये, खाने में भी जबरदस्त।